A very good morning to all of you. Today we are going to discuss the third part of democratic resurgence. And under this topic, today I'll explain Deen Dayal Upadhyay and his ideology. Deen Dayal Upadhyay, he got his birth on 25th September 1916 and he died on 11th February 1968. He was an Indian politician and thinker of right wing. हिंदू आइडियोलॉजी मानते थे वो. इससे पहले हमें आरएसएस, भारतीय जनसंघ और बीजेपी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नोन एज पॉपुलरली नोन एज आरएसएस, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोपगेट्स हिंदू आइडियोलॉजी एंड फ्रॉम दैट अ पोलिटिकल विंग इमर्ज्ड. अ पोलिटिकल विंग ऑफ आरएसएस इज भारतीय जनसंघ. BJS जो है एक पॉलिटिकल विंग है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का. एंड अंडर दैट वन पार्टी इमर्ज दैट इज भारतीय जनता पार्टी. सो दीनदयाल उपाध्याय ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ही बिकेम द मेंबर ऑफ RSS ऑल्सो. एंड इफ यू सी दैट BJP's पेरेंट पार्टी इज भारतीय जनसंघ and Bharatiya Jansang parent organization is RSS. So at that time Bharatiya Jansang ek RSS jo hai, Bharatiya Jansang jo RSS ka ek political wing tha, ye ek communal organization ke sense mein liya jane lag pada tha. Log samajhte the ki ye hindutva vichardhara ko bhi phailana chahta hai and in the masses it has not gained much acceptability. मासेस इसे इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती थी. तो जो दीनदयाल उपाध्याय की फिलॉसफी, उनकी आइडियोलॉजी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म सी, दैट बिकेम अ मीडियम ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ भारतीय जनसंघ टू इंक्रीज इन द मासेस. भारतीय जनसंघ की पॉपुलैरिटी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इंटीग्रल ह्यूमनिज्म आइडियोलॉजी को दीनदयाल उपाध्याय ने सामने रखा. एंड ही वॉज ऑल्सो स्टार्टेड द मंथली पब्लिकेशन ऑफ राष्ट्र धर्म इन 1940s. ब्रीफली ही वॉज प्रेजिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ ऑल्सो 1967 से 1968 तक. ही वॉज ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ. लोकसभा के इलेक्शन इन्होंने 1963 में लड़े लेकिन वो इलेक्शन वो हार गए. और मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस के अंडर उन्होंने अपने प्राण त्यागे. मुगल सराय जंक्शन एक रेलवे स्टेशन है वाराणसी के पास, वहाँ पर इनकी डेड बॉडी मिली थी. एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट सर्टेन बर्गलर्स दे हैव अटैक्ड हिम नियर दैट रेलवे स्टेशन एंड ही डाइड इन सच अ मैनर. After his death of 1968, he died. After his death of 50 years, this railway station was renamed after his name, that is Deen Dayal Upadhyay Junction, in 2018. Pandit Deen Dayal Upadhyay, he was a philosopher, sociologist, economist and politician. Philosophy jo unki hai, wo integral humanism hai. जो एक सोशियो इकोनॉमिक मॉडल हमारे सामने पेश करती है दैट ह्यूमन बीइंग्स आर एट द सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट. जो केंद्र बिंदु है डेवलपमेंट का, विकास का, किसी गवर्नमेंट का, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स. और ही प्रेजेंटेड हिंदू आइडियोलॉजी एंड द सेम आइडियोलॉजी ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इज गिवन इन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एज प्रेजेंटेड बाय दीनदयाल उपाध्याय. He presented Hindu ideology in such a way that there has to be a pure soul. Human being, जो कि development के center में है, he should attain a pure soul. And it doesn't mean that Hindu religious followers are better than others. One should be a pure soul, whether that is Hindu, Sikh, Muslim or Christian. हमें चाहिए कि, क्योंकि human being एक center में है डेवलपमेंट के, तो हर एक व्यक्ति को प्योर सोल अटेन करनी चाहिए. और ये प्योर सोल वह यह मानकर नहीं चलेगा कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि सभी ह्यूमन बीइंग्स भगवान की तरफ से एक जैसे बनाए गए हैं.
So it doesn't mean that Hindu religious followers are better than others. Everybody should attain the प्योर सोल. हिंदू आइडियोलॉजी में उन्होंने बताया कि प्योर सोल अटेन करनी चाहिए. एंड मोर ओवर अंडर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म ही डिग्निफाइड लाइफ ऑफ फॉर एवरी ह्यूमन बींग बाय बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी. अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली और नीड्स अपनी नीड्स और सोसाइटी के नीड्स को बैलेंस करके चलना चाहिए. मोर ओवर वी ही ऑल्सो सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस सो दैट द रिसोर्सेस कैन बी रिप्लेनिश्ड. जितने रिसोर्सेस चाहिए उतने हमें यूज़ करने चाहिए, बाकी छोड़ देने चाहिए. वी शुड टेक द रिसोर्सेस फ्रॉम नेचर इन अ वेरी बैलेंस्ड एंड लिमिटेड वे. एंड मोर ओवर इफ वी आर बोरोइंग समथिंग फ्रॉम नेचर वी शुड ट्राई टू रिटर्न इट टू. कटिंग ऑफ द ट्रीज एंड फॉरेस्ट शुड नॉट बी आर एम. इफ वी आर कटिंग अ ट्री वी शुड ऑल्सो प्लांट मोर देन 5 trees. ही ऑल्सो सेज दैट ईच इंडिविजुअल सोल इज सुप्रीम एंड वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू ईच इंडिविजुअल सोल. अंडर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म he enhances that not only political but also economic, social democracy and freedom. As it seeks to promote diversity, it is best suited for a country as diverse as India. वो मानते थे कि जो integral humanism है ये सिर्फ political field में नहीं हो बल्कि economic और social democracy को establish करने में भी हमारी मदद करे. और जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म उन्होंने प्रपोज किया, हमें एस्पाउस किया, वो दैट इज़ वेल सूटेड फॉर द नीड्स ऑफ अ कंट्री विच इज़ वेरी डाइवर्स एज इंडिया. एंड मोर ओवर हिज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज बेस्ड ऑन 3 principles. द फर्स्ट इज प्राइमेसी ऑफ द होल, बिकॉज ऑल ह्यूमन बींग्स ऑल मेक टुगेदर. दैट इज़ वाई हमें होल का, हमें इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचना चाहिए. द प्राइमेसी शुड बी गिवन टू द होल. एंड धर्मा, दैट धर्म इज अवर ड्यूटी. सुप्रीमेसी ऑफ धर्म इज बींग गिवन बाई हिज आइडियोलॉजी. एंड अंडर दैट देर शुड, दैट इज अवर ड्यूटी एंड धर्म शुड बी एट सुप्रीम. एंड बिकॉज ऑल ह्यूमन बींग्स दे मेक द सोसाइटी, तो सो सोसाइटी शुड बी गिवेन ऑटोनोमस ऑटोनमी. सोसाइटी शुड बी एन ऑटोनोमस यूनिट. पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट और इंडिविजुअल का, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म दोनों का अपोज करते हैं. वो ये मानते हैं कि जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम है और मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट सिस्टम है, they only consider the needs of the human body and the mind. They are materialistic in nature. They are not giving stress on the spiritual development that is most important to complete the development of human being. Capitalism or socialism mein materialistic purpose hai unka, materialistic outlook hai, aur ye spiritual development ki taraf koi bhi dhyan nahi deta hai. That is why he opposed कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का, दोनों का उन्होंने अपोज किया और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की आइडियोलॉजी दी जिसमें ह्यूमन बीइंग को एक प्योर सोल अटेन करने के लिए कहा गया. एंड ही विल बी द सेंटर ऑफ ईच एंड एवरी डेवलपमेंट. अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी के अंतर्गत ही, दैट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनल कॉन्साइंस, ही टोल्ड दैट प्योर ह्यूमन सोल टू बी कॉल्ड एज चित. जो प्योर ह्यूमन सोल है उसको उन्होंने चित का नाम दिया. और उन्होंने एक ऐसे सोशल सिस्टम के को बनाने पर आग्रह किया, के बनाने का सपोर्ट किया, दैट विल बी क्लासलेस, जिसमें कोई क्लास ना हो, किसी तरह की कास्ट ना हो और हर तरह के कन्फ्लिक्ट से वो मुक्त हो. दिस इज़ ऑल विद टूडेज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म. यू कैन ऑल्सो डू द रिसर्च, यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म अबाउट हिम. In order to complete your answer, this much is enough. So this is all with this. Thank you. Have a nice day.